हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको तीन ऐसे नियम बताने जा रही हूँ जिसकी आपको दिल से पालना करनी है, यानी आपको दिल से उन्हें फॉलो करना है। अगर आप दिल से इन तीन नियमों का पालन करते हैं तो आप 100% कोई भी काम करते हैं उसमें आप पास होंगे, चाहे वो घर गृहस्थी चलाना हो, चाहे आपको बड़ा बिजनेस करना है, या कुछ भी ऐसा काम जो आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं। अगर आप ये तीन नियम पालन करते हैं तो आप 100% उसमें पास होंगे। अगर नहीं करते हैं तो 100% फेल होंगे। तो ये जो तीन नियम मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उन्हें कार्डिनल्स रूल्स के नाम से जाना जाते हैं। कार्डिनल्स मीन्स होता है हार्ट, हार्ट माने दिल, दिल से, दिल के नियम, दिल से फॉलो करने वाले नियम, ठीक है ना। इन तीन कार्डिनल रूल जो होते हैं इनको कभी भी हमें तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप अपनी एमवे टीम को एकता के साथ रखना चाहते हैं, यूनिटेड रखना चाहते हैं और कामयाब रखना चाहते हैं, उनको फॉलो करवाएं ये तीन कार्डिनल रूल, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो एमवे की टीम है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ये जो तीन नियम फॉलो करने पर आप केवल एमवे में ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी सदा सदा के लिए कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ वो कौन से तीन कार्डिनल रूल हैं। तो सबसे पहले है, डोंट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। डोंट डू एनीथिंग, हमें कभी भी नहीं करना चाहिए वो नया काम या जो पहली बार हम काम करने जा रहे हैं अपनी अपलाइन से पूछे बिना। यदि आप कोई भी नया काम करने जा रहे हैं या कोई फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं या कोई बिजनेस ओपन करने या कोई ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं या एमवे बिजनेस में हैं या आप कुछ यूनिक करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी अपलाइन से चेक करना चाहिए। अपनी अपलाइन की सलाह के बिना कोई भी काम आपको नहीं करना है। अगर देखिए आपकी अपलाइन कौन होती है, मैं बताती हूँ आपकी अपलाइन कौन होती है। आपकी अपलाइन यानी अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड हैं, अगर बच्चे हैं तो आपके पेरेंट्स हैं, जॉब में हैं तो बॉस हैं, एमवे बिजनेस में हैं तो अपनी अपलाइन से जो आपके सीनियर्स हैं उनसे सलाह लिए बिना आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ये वाला नियम तोड़ते हैं ज़िंदगी में, अगर आप ये वाला नियम तोड़ते हैं तो आप अभी इमेजिन करके देख लीजिए, पीछे जाकर देख लीजिए, आपने जब भी बिना पूछे कोई नया काम करा है तो उसमें आपका टाइम, मनी, एफर्ट्स तीनों खराब हुए हैं। अगर आप अपनी अपलाइन से पूछकर कुछ भी नया काम जो शुरुआत करने जा रहे हैं या कोई ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं, नया बिजनेस करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपनी अपलाइन से पूछ कर करेंगे तो आपकी ये तीनों चीज़ सेव होंगी, टाइम, एफर्ट्स और मनी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहला रूल यही है कि डोंट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन, ठीक है। देखिए आजकल बहुत देखने को मिलता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं ना सरप्राइज़ दूंगा सबको, सरप्राइज़ हो जाएंगे कि अच्छा हाँ इसने ये वाला काम कर लिया। तो मैं आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूँगी इस चीज़ के लिए। अगर आपके दिल में भी ये बात चल रही है तो एक बार रुक जाइए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है या ऐसा हो सकता है कि क्या पता आप सरप्राइज़ देने जा रहे हैं और खुद ही सरप्राइज़ बनकर रह जाएं, ठीक है। तो कभी भी आप कोई नया काम करते हैं तो अपनी अपलाइन से पूछे बिना ना करें, ठीक है। तो देखिए आप 100 में से 99% लोग ऐसा करते हैं कि बस अब मुझे सारी चीज़ें आ गई हैं या मेरे पास बहुत सारा पैसा आ गया, मुझे मार्केट से समझ आ गई है, मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ या मैं एमवे में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ। और ऐसा सोचते ही वो लोग 99% लोगों में शामिल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो कभी भी आप, मैं बार बार बोल रही हूँ, कभी भी कोई नया काम, पहली बार जो काम है वो करने जा रहे हैं तो अपनी अपलाइन से ज़रूर पूछ लें, ठीक है ना। और दूसरा कार्डिनल रूल है, डोंट पास एनी नेगेटिव इन योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। तो सबसे पहले मैं आपको डाउनलाइन और क्रॉस लाइन बताना चाहूँगी। नॉर्मल लाइफ में डाउनलाइन हो गई, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे हो गए, अगर आप बड़े भाई हैं तो आपके छोटे भाई बहन हो गए, ठीक है। अगर आप घर के मुखिया हैं तो आपके बच्चे हो गए, बीवी हो गई, आपका परिवार हो गया, सेंसिटिव लोग हो गए, बुजुर्ग लोग हो गए, ठीक है। क्रॉस लाइन में कौन कौन आता है, आस पड़ोस हो गए, रिलेटिव्स हो गए, दौरानी जठानी हो गई, सास बहू हो गई, ये हो गई क्रॉस लाइन, ठीक है। एमवे बिजनेस में डाउनलाइन क्रॉस लाइन आप जानते ही हैं।
तो कभी भी नेगेटिव बात अपनी डाउन लाइन क्रॉस लाइन में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए आप बहुत बड़े बिजनेस में और आपको नुकसान हो जाता है, बहुत 20-30 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है और आप सभी से गाते फिरते हैं कि मुझे इतने का नुकसान हो गया, अपनी डाउन लाइन को, लेबर को, एम्प्लॉयज़ को आप बताते फिरते हैं, तो ऐसी बातें आपको कभी भी नहीं करनी। अपनी डाउन लाइन को कभी भी आपको नेगेटिव पास नहीं करना है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि भाई रास्ते में मैं आ रहा था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, अपने बच्चों से बोल रहे हैं कि भाई उस रास्ते से मत जाना है, उस रास्ते में गड्ढा है, वो नेगेटिव बातें नहीं होती है। नेगेटिव बातें वो होती हैं कि रास्ते में आते आते आपने कोई लड़ाई देखी, कोई झगड़ा देखा, कोई मर्डर देखा, कुछ देखा, कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ देखी, वो होती है नेगेटिव बातें। आपको कभी भी ऐसी बातें अपने परिवार में या अपने बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ हमें पॉजिटिव बातें ही करनी है जिससे कि हमारी टीम बिल्ड हो, मजबूत हो, एकता में रहे, ऐसी हमें पॉजिटिव बातें ही करनी है। नेगेटिव बिल्कुल नहीं करना है, नेवर 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 एवर नेवर, ठीक है ना। तो आप ये बात याद रखिएगा। तीसरा कार्डिनल रूल है डोंट मैशअप विद एनीबडी ईगो मनी एंड स्पाउस। नेवर 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 1000 बार नेवर और 1001 टाइम बार है एवर नेवर। इन तीनों के मामले में खिचड़ी बिल्कुल नहीं पकानी चाहिए, इन तीनों का मामला बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। जो तीन चीज़ें हैं ना, सुनने में बहुत ही छोटी और आसान लग रही हैं, असली जो ताकत है ना और इंसान की इंसानियत, करैक्टर, इन तीन चीज़ों से ही पता चल जाता है। सबसे पहले नंबर पे है ईगो। ईगो का मतलब एक्सप्लेन करना बहुत ही कठिन है, पर ईगो का मतलब होता है अहम, एक इंसान के अंदर का अहम, कि मैं, मेरा गौरव, किसी के गौरव को, किसी के अहम को, किसी के अहंकार को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दिल नहीं तोड़ना चाहिए, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। वो किसी भी जाति से, धर्म से, राजनीति से संपर्क रखता है, काला है, गोरा है, विकलांग है, कभी भी उसकी ईगो हर्ट मत करना, क्योंकि जैसे ही आपने उसकी ईगो हर्ट करी आप बर्बाद हो जाओगे, तहस नहस हो जाओगे, ठीक है। तो किसी की ध्यान रखिए, किसी की ईगो के साथ मत खेलना। और फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे है मनी। पैसे की हेरा फेरी कभी भी नहीं करनी चाहिए, पैसे का मामला हर दम क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है कि इंसान का कितना भी मीठा रिलेशनशिप है, कितना भी अच्छा रिलेशनशिप, मजबूत रिलेशनशिप है, अगर जिस मामले में पैसा आ जाता है वहाँ रिलेशन कितना भी अच्छा हो, रिलेशन ख़त्म हो जाता है। तो मैं पैसे का मामला हरदम क्लियर रखना है। बहुत बार होता है ना, हम लोगों को भी क्रेडिट लेना पड़ता है, मुझे भी लेना पड़ता है, कभी बाहर जाते हैं नहीं होता वॉलेट, पैसा लेना पड़ता है, पर उसे टाइमली चुका देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो शायद भूल गया होगा, क्योंकि पैसे देने वाला इंसान कभी भी नहीं भूलता और ना लेने वाला भूलता। तो पैसे का मामला हरदम क्लियर रखना चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे स्पाउस। एक इंसान को सफलता उसके चरित्र से मिलती है, अगर उसका करैक्टर अच्छा है तो वो बहुत ऊपर तक जाता है, लेकिन अगर चरित्र सही नहीं है तो वो नीचे आकर गिरेगा ही गिरेगा। बड़े बड़े लोग चरित्र ना होने, सही ना होने की वजह से टॉप लेवल से धरती पर आकर गिर जाते हैं। और देखिए, बिजनेस के दौरान, मीटिंग्स के दौरान हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, यंग गर्ल से मिलते हैं, बेटी से मिलते हैं, किसी की बहू से मिलते हैं, या किसी यंग बॉय से मिलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आँखों में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। एक इंसान आपके साथ अपने आप को इतना सेफ महसूस करे कि जैसे कि मैं कोई मंदिर में रह रहा हूँ, ऐसी आपकी परछावा होना चाहिए, ऐसी आपकी परछाई होनी चाहिए, ऐसा आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। तो बिजनेस मीटिंग के दौरान आपसे कोई भी महिला आपसे टकराती है तो आप उसे अगर छोटी है तो बेटी कहकर, नहीं तो बड़ी है तो बहन जी कहकर संबोधित कर सकते हैं। अगर
और अगर आपकी ही हान की हैं तो आप उसे बहन जी माता जी कहकर बुला सकते हैं। तो ये थे 3 कार्डिनल रूल एमवे में। हमेशा परमानेंट कामयाबी पाने के लिए या कोई भी बिजनेस में परमानेंट कामयाबी पाने के लिए ये 3 नियम अगर कोई दिल से अपना ले तो कामयाबी आपकी ही आपकी है और सदा आपकी बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे 3 कार्डिनल रूल। आप इसको वीडियो को ज़रूर अपनी टीम में फॉरवर्ड करिएगा, ठीक है। फॉरवर्ड करने से आपकी टीम में एकता बनी रहेगी और उनमें एक हौसला आएगा, एक एक्साइटमेंट आएगा आगे बढ़ने का। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।